नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इसी बीच ऐसी स्टोरी निकल कर आ रही है जिसे देखकर इंसानियत, जज्बा और ना जाने क्या क्या सोचकर दुनिया हैरत में पड़ रही है। इसी बीच एक और स्टोरी सामने आई है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, युद्धग्रस्त देश में फंसे भारतीय राकेश शंकर भारती हैं। इनकी कहानी इतनी जबरदस्त है, राकेश शंकर की माने तो पत्नी और दो बच्चों के साथ वो रहते हैं। यूक्रेन में उनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई कि अब वो अचानक युद्ध में फंस गए। ऐसे में सब कुछ छोड़कर वहां से भारत आना आसान नहीं है। ऊपर से फ्लाइट के टिकट के दाम इतने ज्यादा हैं कि वो खुद ये कीमत चुकाकर भारत नहीं आ सकते। राकेश की माने तो भारत सरकार को रूस के साथ बातचीत कर युद्ध विराम रोकना चाहिए। जानकारी देते चलें कि राकेश मूल रूप से बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले हैं। वो साल 2015 में रूसी भाषा सीखने के लिए यूक्रेन गए हुए थे और इसी दौरान राकेश की मुलाकात यूक्रेन में रहने वाली अक्साना से हो गई। जल्दी ही दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। बाद में राकेश और अक्साना ने कोर्ट मैरिज कर ली और अब उनके दो बच्चे हैं। राकेश रूसी, जापानी, फ्रेंच समेत कई और भाषाओं के जानकार हैं। राकेश यूक्रेन में अनुवादक का काम करते हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, लेकिन रूस से युद्ध के बीच जहां लाखों लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, वहीं राकेश जैसे लोग अब भी अपने देश यूक्रेन को नहीं छोड़ पा रहे हैं। राकेश शंकर की माने तो यूक्रेन में हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। पोलैंड के बॉर्डर पर लाखों लोग खड़े हुए हैं। ऐसे में पत्नी बच्चों समेत निकलना खतरे से खाली नहीं है। राकेश कहते हैं कि हालात बेहतर होने पर वो अपने पत्नी बच्चों को अपने बचपन के गांव बिहार ले जाएंगे और उन्हें वो दिखाना चाहते हैं। राकेश अपने कई दोस्तों को इस जंग में खो चुके हैं। खुद उनके ससुर खारकीव में फंसे हुए हैं। जिस गांव में वो हैं वहां रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। राकेश शंकर की माने तो लड़ाई लंबी चलेगी, पैसों की दिक्कत और बढ़ सकती है। हम लोग बैंक से पैसे भी निकाल नहीं पा रहे हैं, कई तरह की समस्याएं सामने आ जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन और रूस के साथ युद्ध में क्या कुछ हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। देखना होगा कि आगे किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है।